सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में जो है हम स्पीड टेस्ट करेंगे, और ये जो है एयरटेल का फाइबर कनेक्शन है और प्लान है हमारा 499, और इसमें हमको स्पीड मिलेगी 40 Mbps की। तो हम स्पीड टेस्ट करेंगे और मूवी डाउनलोड करके देखेंगे, और यूट्यूब के जो वीडियो हैं वो चला के देखेंगे हम फुल HD में और 4K में, और YouTube पे जो है वीडियो अपलोड भी करके देखेंगे। ये सारी जो है बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो इधर देखिए, मैं अपने लैपटॉप में करके बताता हूँ आपको। speedtest.net जो वेबसाइट है उसके थ्रू सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि हमको कितनी स्पीड मिल रही है। और हम 2.4 GHz और 5 GHz से भी कनेक्ट करेंगे। ये जो ONT राउटर है, और हुआवे का ONT राउटर जो है एयरटेल वाले फिलहाल दे रहे हैं, कभी नोकिया देते हैं कभी हुआवे देते हैं। तो ये देखिए अभी 5 GHz से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, और आप खुद ही जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जो है समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और वीडियो जो है शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, अदरवाइज तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, और आप देखते हैं भाई 40 Mbps वाला प्लान है, और ये है 499 रुपीज़ वाला। तो इधर देखिए 40 Mbps से ऊपर की स्पीड आ रही है, तो अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि कितनी जो है डाउनलोड स्पीड मिलती है और अपलोड। तो 49.14 की स्पीड मिली है, जबकि प्लान है हमारा 40 Mbps का। मतलब एयरटेल वाले जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगती है। और ये जो है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की खास बात है, वो जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं अपलोड भी जो है 46.39 आ रही है। तो भाई हमको तो ये 40 Mbps चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इधर हम दूसरी वेबसाइट से स्पीड टेस्ट करेंगे। अब हम करेंगे fast.com से। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई speedtest.net से मत किया करो, ये जो है एयरटेल वालों का फेवर करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए नेटफ्लिक्स की जो है ये, जो कि ये fast.com है, तो इधर से देखिए 49 Mbps की स्पीड मिली है। तो इधर अपलोड स्पीड नहीं बताता है ये आपका fast.com। तो अभी हम एक और वेबसाइट खोल लेते हैं इधर पर, openspeedtest.com। तो इधर देखते हैं, इधर भी ये जो है डाउनलोड और अपलोड दोनों बताता है, तो इधर आपको क्लियर हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई speedtest.net से जो है आप स्पीड टेस्ट मत किया करिए, तो कोई बात नहीं, हम इधर से करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इधर भी जो है कुछ 50 के आसपास भी बता रहा है। अभी फाइनली हम देखते हैं कितनी मिलती है। तो देखिए 50.8 की डाउनलोड स्पीड मिली है, और प्लान है हमारा 40 Mbps का। तो भाई मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई ऐसा प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर, जो कि जितना बोलता है उससे ज़्यादा देता है। क्योंकि हमने जियो का स्पीड टेस्ट भी किया था पिछले वीडियो में किया था, तो आपने देखा था कि जो वो बोलते हैं उनसे उतनी तो नहीं, उससे कम ही मिलती है। और लेकिन इधर देख सकते हो अपलोड भी अच्छी खासी आ गई है इधर पर हमारी। तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी स्पीड मिली है हमको इधर पर, मतलब जितनी एयरटेल वाले बोलते हैं उससे ज़्यादा मिली है। अब हम जो है यूट्यूब के वीडियो चलाते हैं, और ये मेरी चैनल है, मेरी चैनल का वीडियो हम चला के देखते हैं। और फुल HD और 60 FPS पर जो है ये वीडियो है, अभी आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम 4K वीडियो भी चला के देखेंगे। तो भाई ये सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि स्पीड के मामले में एयरटेल फाइबर बहुत अच्छा है। जो वो बोलता है, प्रॉमिस करता है, उससे अच्छी स्पीड हमको देखने को मिलती है। तो इधर आप देख सकते हो फुल HD 60 FPS पर जो है वीडियो चल रहा है। और अभी हम कोई दूसरा वीडियो चला के देखते हैं। तो ये मेरी चैनल का वीडियो है, कोई दूसरा वीडियो जो है मैं इधर से क्लिक करता हूँ। तो आप खुद भी दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितनी जो है बढ़िया चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं हो रही इधर पर। अभी देख सकते हैं फुल HD और 60 FPS पर जो है वीडियो चल रहा है, कोई भी बफरिंग इधर पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। और प्लान ही हमारा 499 वाला, तो GST इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा 18%। तो 18% के साथ ये हो जाएगा करीब 589 रुपीज़ का हो जाएगा। तो भाई GST तो सब में लगता है 18%, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, कोई सा भी आप प्लान लेते हो। तो इधर देखिए कोई भी बफरिंग नहीं कर रही है, और इधर मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, तो बड़ी स्मूथली जो है फॉरवर्ड हो रहा है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब इधर मैं 4K वीडियो जो है आपको चला के बताता हूँ। हालांकि फुल HD सफिशियंट होता है, और 40 Mbps वाला प्लान है, तो ज़्यादातर लोग वैसे ही फुल HD में देखते हैं। 4K वैसे भी बहुत जो है कम कंटेंट है, अभी बहुत कम वीडियो है। तो देखिए 4K वीडियो चल रहा है इधर पर। तो अभी इसको पहले 4K पे कर देता हूँ मैं। तो ये 4K और 60 FPS पर मैंने कर दिया है। तो अभी देखिए कितनी अच्छे से चल रहा है, कोई बफरिंग इधर अभी तक मुझे देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा मैं अभी इसको फॉरवर्ड भी करके देखूंगा, भाई फॉरवर्ड करते हैं तो कितना समय लगाता है ये। तो इधर पर अभी तो ये देखिए इधर ज़्यादा समय नहीं लगा रहा, मतलब स्मूथली चल रहा है। 4K वीडियो भी जो है आप इस प्लान में आराम से देख सकते हो, 499 वाला प्लान है ये। मतलब 40 Mbps में आप बहुत बढ़िया जो है 4K वीडियो चला सकते हो यूट्यूब पर।
तो आप खुद ही देख रहे हो दोस्तों, आप लाइव देख रहे हो, मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ अपने लैपटॉप से। ये मेरा लैपटॉप है और पूरा जो है आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है 4K, अभी तक कोई भी बफरिंग ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अभी कोई मूवी आपको डाउनलोड करके बताता हूँ क्या स्पीड मिल रही है, तो इधर से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए करीब 3.2 GB की जो है मूवी है, और स्पीड देखिए कितनी मिल रही है, आप खुद देख सकते हो। तो स्पीड हमको 40 Mbps में जो है 5 Mbps की जो है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिलना चाहिए 5.0। तो इधर देखिए करीब स्पीड इधर पर आपको मिल रही है 5.3 से लेके 5.6 के बीच में आ रही है, मतलब 5 से ऊपर स्पीड आ रही है। क्योंकि 40 ÷ 8 करोगे तो 5 निकलेगा आपका, क्योंकि जो हम इंटरनेट लगवाते हैं ना वो मेगा बिट में होता है, और डाउनलोड अपलोड जो है मेगा वाइट में होता है। तो ये आप समझ सकते हो 8 बिट का 1 वाइट होता है। तो जो भी स्पीड आपको मिलती है, जो भी प्लान लेते हो ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिएगा, तो 40 ÷ 8 आपका होता है 5.0। तो इधर 5 से ऊपर की स्पीड मिल रही, तो इधर भाई स्पीड के मामले में नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत मुझे अच्छा लगा। और 40 Mbps की सफिशेंट स्पीड है, आप अगर होम यूज़ या होम के पर्पज से, घरेलू पर्पज से लेना चाहते हो ये ब्रॉडबैंड, मेरा मतलब ये प्लान, तो आप ले सकते हो 499 वाला, कोई इशू नहीं होगा। काफ़ी अच्छी स्पीड जो है इधर मिल रही है, आप देख सकते हो 5.3 से लेकर 5.6 तक मिल रही है। हालांकि ये 5 भी मिलती तो सफिशेंट है। तो इधर पर जो है अपलोड करके बताता हूँ, आप ये YouTube पे जो है, ये मेरा दूसरा चैनल है, तो इस पे जो है वीडियो अपलोड करके बताता हूँ। तो भाई जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो अपलोड से मतलब होता है, क्योंकि अपलोड जो है, अपलोड में अगर सही स्पीड नहीं मिलेगी तो इधर प्रॉब्लम होती है यूट्यूबर्स के लिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, ये नीचे देखिए DU मीटर है। तो ये कई लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो DU मीटर है, इसको गूगल में जो है आप सर्च कर सकते हो। तो अपलोड जो है 5.2 से लेके 5.6 के बीच आ रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, मतलब प्लस में ही आ रही है, हमको तो 5 तक चाहिए ना, तो ये 5 से ज़्यादा आ रही है। तो 5.2 MB से लेके 5.6 MB के आसपास स्पीड आ रही है, तो काफ़ी जो बढ़िया आ रही है। और ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है करीब 430 MB के आसपास का है, तो हमको तो इधर स्पीड चेक करना भाई, स्पीड जो है हमको सही मिलना चाहिए। तो बहुत बढ़िया स्पीड है, मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ स्पीड के मामले में। और जबकि जियो आप लेते हो तो जियो में आपने देखा है वो जितना बोलते हैं उससे करीब 5 से 6 Mbps स्पीड कम ही मिलती है, लेकिन इधर एयरटेल का उल्टा है, ये ज़्यादा देते हैं आपको। तो इधर आपने देखा दोस्तों, अब इधर जो है अभी मैं जो है 2.4 GHz से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारा लैपटॉप या मोबाइल जो है 5.0 सपोर्ट नहीं करता है। तो कोई बात नहीं, हम इधर जो है 2.4 से कनेक्ट करके देखते हैं, स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए मैं इधर बताना चाहूँगा, 50 Mbps तक का जो प्लान होता है ना, वो 2.4 GHz में बढ़िया चलता है, लेकिन 2.4 काम कम नहीं करता है जब हमारा 50 से ऊपर का प्लान होता है, जैसे कि 100 Mbps, तो उसमें डुअल बैंड की ज़रूरत होती है। तो इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सिंगल बैंड है आपका लैपटॉप या मोबाइल, तो 50 तक तो बढ़िया जो है स्पीड मिल जाती है। तो इधर देखिए बढ़िया स्पीड मिल रही है 2.4 GHz में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 50 Mbps तक का प्लान है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल बैंड में भी चला सकते हो। लेकिन डुअल बैंड वाला आपका मोबाइल या लैपटॉप है तो डुअल बैंड से कनेक्ट करिए भाई, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर देखिए कोई इशू नहीं है, हमको डाउनलोड जो 48.93 मिल रही है, और 40 Mbps वाला प्लान है, आप इधर ध्यान रखिए उससे ऊपर की स्पीड मिल रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इधर देखिए आप अपलोड भी बढ़िया आ गई, 37.66 आ गई है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, फिर से हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फिर से ही मैंने इधर गो करा, तो मैं भाई फुल सेटिस्फाइड हूँ स्पीड के मामले में, और बहुत बढ़िया प्लान है 499 वाला। 40 Mbps की स्पीड अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, कितने पैसे लगते हैं, क्या है इसका, जो पहले वाला वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने समझाया है क्या इंस्टॉलेशन चार्ज है, जैसे कि 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, और 499 वाला प्लान है। तो ये सारी जानकारी जो है मैंने पिछले वीडियो में दे दी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट करोगे पूछोगे। तो इधर आप देख सकते हो, इधर 2.4 GHz से अभी कनेक्ट है राउटर, और हुआवे का राउटर है ये, इसके पहले जो है नोकिया का देते थे, लेकिन वो कुछ रहता है शॉर्ट हो जाता है, तो हुआवे का देने लगते हैं, अभी नोकिया की शॉर्टेज चल रही है। तो इधर देखिए अपलोड स्पीड भी बढ़िया आ गई है, तो 2.4 GHz में भी बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देरी खत्म होता है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और अभी भी डाउट है तो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है एयरटेल फाइबर से रिलेटेड या जियो फाइबर को लेकर, तो इस टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, पहले भी बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊंगा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।